बांटा जा रहा क्या है? ये दिनेश लाल यादव निर्वा जी की तरफ से, हम लोग निर्वा हिंदुस्तानी टीम है, निर्वा जी की तरफ से जो है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के पूजनीय मुख्यमंत्री महाराज जी का कहना है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे इस प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि इस देश में कोई परिवार भूखा ना रहे, कृपया एक लोग नौ लोगों की जिम्मेदारी उठाएं, तो हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम आजमगढ़ के अलावा भी मुंबई में हुए और भी अलग अलग प्रदेशों से फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, उनके लिए राहत सामग्री बांटी जाए। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 100 पैकेट हम यहाँ आटा चावल दाल नमक सरसों का तेल माचिस साबुन ये पूरी गृहस्थी का सामान है, दाल है, एक एक बड़े बड़ा पैकेट बना करके हम लोग एक एक परिवार को एक एक हफ्ते के लिए एक राशन हम लोग दे रहे हैं निरहुआ जी की तरफ से। अभी जिला प्रशासन को हमने 100 पैकेट हैंडओवर किया है, प्लस 150 पैकेट हम लोग और जरूरतमंद है धीरे धीरे हम लोग बांटते चले जा रहे हैं। कितने लोगों को बांटने का आप लोगों का एक? हम लोग लगभग 2000 परिवार को अभी तक लक्ष्य बनाया है, लेकिन ये कोई सीमा नहीं है, जैसे जो आवश्यकता होगी, जो जेन्युइन आवश्यकता होगी, हम जिला प्रशासन के माध्यम से, जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं श्री एनपी सिंह जी, उनके माध्यम से, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के श्री ध्रुव सिंह कुमार सिंह के माध्यम से जो है, हम लोग लोगों को चिन्हित करके बांटेंगे इसे। ठीक,